नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी मेरी मौजूदगी सूर्यगढ़ा थाना प्रांगण में है और सूर्यगढ़ा अंचल में साइबर क्राइम पे कंट्रोल को लेकर के पूरे सूर्यगढ़ा अंचल के सरकारी बैंक प्रबंधक और सीएसपी संचालकों के साथ इंस्पेक्टर महोदय राजीव कुमार और थाना अध्यक्ष के द्वारा एक विशेष बैठक की जा रही है और उस बैठक में साइबर क्राइम को रोकने को लेकर के क्या निर्देश दिया जा रहा है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि बैंक में जाने वाले ग्राहकों के साथ भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसको लेकर के अभी बैठक चल रहा है। आइए दिखाते हैं वहां का लाइव तस्वीर। उसका अगर बैकअप हो, अगर उसका सीसीटीवी का कोई और भी बैकअप, अगर दो बैकअप हो तो और भी बढ़िया है। सीसीटीवी जनरली लगाया जाता है बैंक में इन करने वालों को और बैंक के भीतर ही मॉनिटर किया जाता है, लेकिन ये हमारे डीजीपी साहब का जो इंस्ट्रक्शन आया है उसमें ये है कि उनका रिट्रीट जो हो, रिट्रीट होने या वाहन जो लगाने का है उसको भी कवर किया जाए सीसीटीवी से, ताकि ये जो है पता चल सके कौन से वाहन आए, कौन से वाहन से भागे, किधर भागे, उसका रेजोल्यूशन जो भी हो ना, वो सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी का हो, ऐसा चेहरा जरा साफ आवे, गाड़ी का नंबर जरा साफ आवे। अगर आप उसको मॉनिटर करते हैं, अगर नहीं ऐसा आता है तो आप अपने उच्च स्तर पदाधिकारियों को कहकर उसको बदलवाओ। जी, अफगिल से है कोई? अफगिल ग्रामीण बैंक से। हाँ, अफगिल ग्रामीण बैंक में मैंने चेक किया, सीसीटीवी खराब था, मैंने वो लिखा, उन्होंने पता नहीं मंगवाया या अपने वरीय पदाधिकारियों को लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों के स्तर से तो हो चुकी है कि भाई आप सीसीटीवी लगवाएं जल्दी से जल्दी। इसमें लापरवाही होती है तो बैंक कर्मी, अब 4:45 बजे अगर बैंक खुला है, गेट खुला है, तो इसकी बैंक कर्मी की जिम्मेदारी आती है कि नहीं, क्यों नहीं हम उनकी और उसमें संलिप्तता या लापरवाही या उनके कार्रवाई के लिए हम लोग लिखे हैं। मान ली ये उनके लापरवाही के चलते ये घटना घटी, अगर वो अलर्ट रहते 4 बजे गेट बंद कर देते तो ये घटना नहीं हो पाती। तो अपनी भी जिम्मेदारी और सोचना है इसमें, घटना अगर सबको रखना पड़ेगा, फेसबुक इसी प्रकार स्वजन समाचार पेज को लाइक फॉलो करते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपना सपोर्ट, बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।